पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए, प्रसाद मिलते ही पा लेना चाहिए, अधिक हो तो बांट देना चाहिए। खराब क्यों हुआ, ये हमारी लापरवाही है, खराब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि हो जाता है तो उसको कूड़ेदान में मत डालिए, उसको थोड़ा धो लीजिए। उसकी जो ऊपर मान लो कोई सिवाल वगैरह आ गया है या कुछ ऐसा आ गया है तो थोड़ा उसको साफ सूफ करके गाय को, कुत्ते को, पशु पक्षी को खिला दीजिए किसी को, या कम से कम छत पर डाल दीजिए। कूड़े में डालना तो उचित नहीं है, छत पर आप डालेंगे तो छत पर क्या है कि कोई भी पक्षी, चिड़िया, कबूतर, कोई भी उसको खा लेगा। और बहुत अधिक हो तो किसी नदी में प्रवाह कर दीजिए, जल में प्रवाह कर दीजिए। कूड़ेदान में तो मेरे विचार से नहीं डालना चाहिए और बचाना ही चाहिए, क्योंकि प्रसाद है, चिन्मय है ठाकुर के। अब बाकी आप देख लें कि अज्ञात जगह से आया हुआ हो, प्रसाद के नाम पर पकवान आए हुए हों, छोले चावल भटूरे आए हुए हों और वो ख़राब हो जाए तो फिर डस्टबिन में जाएंगे ही जाएंगे। थोड़ा सा परिस्थिति को और देश काल को, परिस्थिति को बाइफरकेट करके निर्णय ले सकते हैं आप, कोई खास बात नहीं है। जय श्री राधे, जय निताई।